हमारे साथ पुष्कर जी हैं। पुष्कर जी, आप आम आदमी पार्टी से हैं, तो आम आदमी के होते हुए उस मंदिर पे क्यों नहीं दबाव बना गया? आम आदमी की सहमति के ही बिना ये मंदिर क्यों तोड़ दिया गया? देखिए, दिल्ली पूरे देश में जमींदारी खत्म हुई और दिल्ली के अंदर शुरू हो गई। दिल्ली के जमींदार का नाम DDA है जी, जो कि केंद्र सरकार के पिंजरे में पलने वाली एक चिड़िया है जी, और उसके इशारे पर बोलती और नाचती है जी। दिल्ली में हमारा संघर्ष है, जमीन दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं है, दिल्ली की जनता के अंतर्गत नहीं है। DDA के पास हजारों एकड़ ऐसी जमीन है जिस पर कब्जे हो रहे हैं, भू माफिया पल रहा है, जिस पर गैरकानूनी काम हो रहे हैं, और एक छोटे से टुकड़े के ऊपर पूरे देश को एकता और समानता के रास्ते पर बांधने वाले संत रविदास जी का मंदिर था, उसको उजाड़ने का काम हुआ है। और वो काम दिल्ली सरकार की जानकारी में लाए बिना, दिल्ली सरकार की रिलीजियस कमेटी में मैटर जाता, तो उसकी जमीन हम कहीं भी करते। हम अपने लिए घर की बात करते हैं, हम अपने संत रविदास। आज इतना बड़ा सैलाब को देखते हुए सरकार ने भी अपनी रणनीति बदल दी और इतने बड़े सैलाब के अंदर सभी नेता उतर कर आ गए हैं आम आदमी पार्टी के। अब दिल्ली सरकार क्या काम करेगी इस मंदिर को दिलवाने के लिए? देखिए, दिल्ली सरकार, उसके पास सीधे सीधे दिल्ली की जमीन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये हमारे पूरे पार्टी और पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी का निर्देश है, हम सबको है, पूरी पार्टी इस मामले में एक सूत्र पर बंधी हुई है कि हम संत रविदास जी के सम्मान को बचाने के लिए, देश को एकता और समानता के रास्ते पर बढ़ाने वाले के लिए, उनकी स्मृति, वो खुद सशरीर वहाँ पधारे थे, ये छोटी मोटी बात नहीं है। संत रविदास जी, ऐसा नहीं कि उनकी मूर्ति रख दी थी, वो स्वयं वहाँ पधारे थे उस जगह को बचाने के लिए, और बिल्कुल उसी जगह पर बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर दबाव बनाएंगे कि वो चाहे ऑर्डिनेंस लाए, चाहे DDA को सीधे निर्देश दें, उस जमीन को संत रविदास जी की स्मृति के लिए आरक्षित करें, निश्चित तौर से करें। और अगर उनके पास जमीन नहीं है तो दिल्ली सरकार अपने स्तर पर कोई भी जमीन का प्रावधान करेगी, लेकिन संत रविदास जी समाज के सभी लोग बोलते हैं कि हमें वही मंदिर चाहिए, चाहे उसके लिए कोई भी उसका मुआवजा देना पड़े। बिल्कुल यही बात हम भी कह रहे हैं कि वो जमीन दिल्ली, हम DDA की सैकड़ों बीघा सैकड़ों एकड़ जमीन बताने के लिए तैयार हैं कि अगर आपको साफ करवानी है वहाँ करवाएं, वहाँ गैर कानूनी काम करें, वहाँ कोई भी जनहित को हानि नहीं पहुँच रही, कोई सड़क नहीं रुक रही, तो संत रविदास जी का मंदिर जहाँ था, जहाँ वो पधारे थे, वही मंदिर चाहिए। ये समाज की मांग है, और किसी एक समाज की नहीं, पूरे भारत समाज की आन बान शान की बात है, वहीं पर संघर्ष का क्रम लेना है, दिल्ली सरकार साथ है। पहले जमाने के अंदर महिलाएं अधिकतर पर्दों में रहा करती थी, लेकिन आज एक बहुजन समाज की क्रांतिकारी महिलाएं भी जमीन पर हैं। आप कहाँ से, अपना नाम बताएं और किस? मैं पटपड़गंज से सुनीता चौहान, मैं SC/ST बोर्ड मेंबर भी हूँ। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ मोदी सरकार से कि अगर हमारे मंदिर तोड़कर हमारे ऊपर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो क्या ऐसी सोच ये अपने राम मंदिर के लिए क्यों नहीं रखते? वहाँ से हटा के कहीं दूसरी जगह राम मंदिर क्यों नहीं बनाते? वहाँ के लिए तो इन्होंने लाखों लोगों को मरवा दिया, इतने दिनों से केस चल रहे हैं, उसके लिए हमेशा ही सरकार बना लेते हैं इस मुद्दे पे लाके कि राम मंदिर वहीं बनेगा, और बनाएंगे भी नहीं। अब क्यों नहीं बनाते राम मंदिर? अब तो सब जगह है, पर हमें हमारे रविदास जी का मंदिर वहीं पर चाहिए। इसके लिए हम अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ये वाला जो नारा है ये सिर्फ झूठा नारा नहीं है, इसको हम करके दिखाएंगे, और ये रोज चल रहा है, पूरा देश चक्का जाम कर देंगे हम दिखाएंगे कि रविदास के कितने हम अनुयायी हैं और किस तरह के उसके बालक हैं। अगली रणनीति क्या रहेगी आप सबकी? हमारी अगली रणनीति यही रहेगी कि हम कैसे भी करके मोदी सरकार को झुकाएंगे और रविदास जी का मंदिर वहीं बनाएंगे। कहाँ से आए? हम पंजाब से आम आदमी पार्टी से आए हैं। हमारे साथ हरपाल सिंह जी चीमा, जो हमारे ऑपोजिशन के लीडर हैं, और उनके साथ कुलवंत सिंह पंडोरी, जो महल कलां से विधायक हैं। मैं जय कृष्ण सिंह रौड़ी, पंजाब से गढ़शंकर से विधायक हूं, और मेरे साथ मनजीत सिंह बिलासपुर जी, जो निहाल सिंह वाला से विधायक हैं, और हमारे साथ दूरी से हमारे सिंगला जी, पार्टी के हमारे आगू हैं, वो जहाँ पे आज रोष प्रदर्शन में आए हैं। और पंजाब में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जो आज ये ऐतिहासिक स्थान, जो पिछले दिनों DDA ने सुप्रीम कोर्ट में जाके उनके खिलाफ जो वहाँ से फैसला करवाया, उसके खिलाफ आए हैं, और हमारी सभी भारतवर्ष के लोगों की ये मांग है कि आज हमें आशंका है कि जो BJP है वो हमारे धर्म को, वो हमारे इतिहास को, वो हमारे संविधान को जो है वो बदलना चाहती है। सर, यहाँ पे आज बड़े सभा हुई है, क्या लगता है आपको, क्या ये सभा सफल हुई? मैं जो हम इस धरने में आए हैं, हम स्टेज पे बैठने के लिए, स्टेज पे बोलने के लिए नहीं, हम धरने में शामिल होने के लिए आए हैं, और हमने धरने में शामिल शमूलियत की है, और स्टेज का प्रोग्राम चलेगा। हम कुछ समय से ही आए हैं, हमने अभी स्टेज का प्रोग्राम देखा नहीं कि क्या हो रहा है। सर, ये क्या लगता है कि जो गुरु रविदास गुरु स्थल तोड़ा गया, ये सरकार की क्या मंशा है, क्या सोच के तोड़ा गया? ये सिर्फ साफ और स्पष्ट क्लियर बात है, जो भाजपा है वो 2019 के इलेक्शन से पहले आने में उन्होंने बोला कि हम इस देश का संविधान बदलेंगे, ये देश का आखिरी जो इलेक्शन होगा, और उनका जो एजेंडा है कि जो दलित है, जो गट गिनती हैं, वो इनका इतिहास बदलना चाहते हैं। क्योंकि यदि आप देखें DDA जहां दिल्ली में, और कितने जहां पे जो समाधे हैं
इंदिरा गांधी जी की समाधि जहाँ पे है, जवाहरलाल नेहरू की है, और जितने भी प्रधानमंत्री यहाँ से हुए हैं उनकी समाधि जहाँ पे है, सैकड़ों एकड़ और जमीने हैं, और मालूम नहीं कितने बाबे जो बलात्कार के अंदर भी मामले में भी अंदर हैं, उनके बहुत ज्यादा जहाँ पे जो स्थल है उनके जहाँ पे वो मंडल वगैरह बना रखे हैं। लेकिन ये अकेला जमारा श्री गुरुदास महाराज का ऐतिहासिक स्थान ही क्यों? क्योंकि साफ स्पष्ट बात है, जब आने वाली नस्लें ये पूछेंगी कि सिकंदर लोधी को क्या मजबूरी थी, को श्री गुरुदास महाराज को उन्होंने इतनी जमीन अपनी क्यों दान की थी, उनकी सख्याओं से, उनकी जो हमारे आशीर्वाद से जो आने वाली हमारी नस्लें हैं वो अपने वंचित रह जाएं, जे इसके लिए मैं समझ रहा हूं कि जो काम देश के नेताओं को करना चाहिए वो जनता आके जमीन पे कर रही है। देखो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो अपनी उंगल है, जो जो उंगली है, उनकी फोटो में देखो उसने ऐसे कर रखी है, उसने बोल रखा है कि जो आम लोग हैं कि इनका जो स्थान है वो दिल्ली की लोकसभा है, वो पंजाब की विधानसभा है। जब में से इन लोगों में से जो अपने नीचे पर पचड़े भर के हैं, जो नीचे रह गए, जो दबले कुचले लोग हैं, जब तक ये लोकसभा में नहीं जाएंगे, ये विधानसभा में नहीं जाएंगे, ये जो लोग पूंजीवादी लोग हैं ये हमारे ऊपर ऐसे ही हमले करते रहेंगे। सर एक बात, एक देखने वाली बात ये है कि इस मामले में राजनीति काफी ज्यादा हो रही है। चंद्रशेखर वहाँ पहुँचते हैं और ये कहते हैं कि मामला सुलट गया है, एक महीने पहले जब वहाँ पकड़ रहे थे कि सरकार झुक गई है हमारे यहाँ पर आंदोलन के बाद या हमारे आने के बाद, लेकिन वो एक लेटर दिखाते हैं, उस लेटर को पढ़ते नहीं है और उसके एक महीने बाद सही मंदिर तोड़ दिया जाता है। तो क्या लगता है आपको कि इसमें बरगला के रखा गया लोगों को? किसी ने क्या कहा इसके लिए हमें कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन जो हमारा स्टैंड है वो ये स्पष्ट बिल्कुल क्लियर है कि हमारे गुरु जी का मंदिर तोड़ा गया है और ये मंदिर वही बनना चाहिए। बिल्कुल, इसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि समाज को सबसे बड़ी बात है संगठित होने की जरूरत है, और संगठित नहीं हो रहा है समाज, इस वजह से आज ये नौबत आ गई है कि कोई मंच इधर बन रहा है, कोई मंच उधर बन रहा है, जो कि समाज के लिए बहुत घातक है। आने वाले टाइम में हम गुरु रविदास जी के मंदिर के लिए आए हैं, अभी जो भी यहाँ के मंच के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, जो भी रास्ता दिखाएंगे उसी के लिए हम सब साथ में खड़े हुए हैं और साथ देंगे। लेकिन मैं फिर से अपील करना चाहती हूँ कि संगठित होकर इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, बिना संगठित हुए लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। ज्यादा नेता भी होना किसी कौम के लिए घातक है और ना नेता होना भी उसी कौम के लिए घातक होता है। क्या इस मंच में कुछ राजनीतिक नेता भी घुसाए थे क्या? लग रहा है कि हाँ, कुछ राजनीतिक लोग भी आ चुके हैं इस मंच पे और इसी वजह से इतनी दौड़ भाग हो रही है, क्योंकि राजनीतिक लोग तो अपने लाभ और हानि को देख करके ही कोई काम करते हैं। अच्छा विद्या जी, ये बताइए जो हमारे सांसद हैं 131 दलित सांसद जी, वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, और वो कहीं नजर नहीं आ रहे दूर दूर तक इस पूरे मामले को लेकर के, और उसको लेकर के भी समाज में बहुत तनाव है कि आखिर ये जो सांसद हैं संसद भवन में बैठे जिसे जनता ने चुना था, आखिर वो आ क्यों नहीं रहे? और शायद बहुत जल्द ऐसा समय आएगा कि सांसदों को भी सवालों का जवाब देना पड़ेगा समाज को। अच्छा विद्या जी, जो पंजाब से काफी मात्रा में लोग आए हैं जी, जो अपने पूरा ताम झाम से आए हैं जी, उसके बावजूद जो हमारे आसपास के लोग हैं उनकी संख्या कम है, क्या अम्बेडकरवाद और जो रविदास जी के तो विचारों को लेकर कुछ यहाँ पर अंतर दिखाई देता है आपको? बिल्कुल, ये मैं भी सुन रही हूँ कि शायद तुगलकाबाद या दिल्ली के आसपास के लोग थोड़ा कम उसमें आए हुए हैं, या अवेयरनेस की कमी हो सकती है, या कुछ भी हम कह सकते हैं, अभी ये नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि पश्चिम में गुरु रविदास जी को हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा जानते मानते लोग हैं, तो उनका जो श्रद्धालु है उनकी बहुत ज़्यादा वो ज़्यादा संख्या है, और धीरे धीरे प्रचार प्रसार होगा तो पूरे देश से भी लोग आएंगे। ऐसा नहीं, विद्या जी कई घंटे हो गए हैं यहाँ पर धरने प्रदर्शन को जी, उसके बावजूद सरकार का कोई भी यहाँ पर प्रतिनिधि अभी तक नहीं पहुँचा है। बिल्कुल, इसी चीज़ का इंतजार समाज कर रहा है कि कितनी जल्दी समाज का कोई प्रतिनिधि पहुंचे, क्योंकि लोग कल से आकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम सबको भी इंतजार है कि सरकार का कोई ना कोई नुमाइंदा आएगा और हमारे गुरु रविदास मंदिर को लेकर के कोई नया रास्ता निकालेगा। विद्या जी, चुनाव आने वाले हैं दिल्ली में कुछ महीने बाद में, तो क्या लगता है यहाँ पर इस मामले को लेकर क्या कुछ राजनीति भी हो रही है क्या? इसमें खुले मन से कोई बात कहूँ तो उचित नहीं लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति हुई है तभी समाज में एकदम इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि चुनाव के मद्देनजर नेता भी अपना काम करना शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि हमारे देश में हर 5 किलोमीटर पर या 2 किलोमीटर पर, हर 500 मीटर पर बहुत सारे मंदिर हैं, मठ है, लेकिन जो 600 साल पुराना रविदास जी का मंदिर था वही क्यों निशाना बनाया गया? वही क्यों, क्योंकि सबको पता है कि विचारधारा
किस तरह के लोगों की है, जो सत्ता में काबिज लोग हैं वो मुस्लिम और दलित और जो भी और पिछड़ी जातियों के लोग हैं उनके मान सम्मान से खिलवाड़ करना उनको जैसे अच्छा सा लगता है। आखिर हमसे कह रहे हैं कि मंदिर यहाँ से उठा के कहीं और बना लो, तो एक ही सवाल है कि अयोध्या से उठा करके वो कहीं और बना दें, मंदिर आजमगढ़ में बना लें, कहीं और बना लें, तो हमसे क्यों कह रहे कि उठा के बनाओ? मंदिर वहीं बनेगा जहाँ पे मंदिर बनना चाहिए और जहाँ पे अब से 600 साल पुराना मंदिर था। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।